पीसीओडी आमतौर पर महिलाओं में असंतुलित हार्मोन्स के कारण ये समस्या होती है। इसमें मेल हार्मोन्स शरीर में बढ़ जाते हैं और जो फीमेल हार्मोन्स हैं उनकी मात्रा असंतुलित हो जाती है। मेनली ये जो है सेडेंट आजकल के खान पान और सेडेंट्री लाइफस्टाइल की वजह से ही महिलाओं में ज़्यादा देखने को मिलती है, स्पेशली अपने 20 से 30 साल के ग्रुप में ज़्यादा देखने को मिलती है। क्या इसके कारण क्या होते हैं? देखिए वैसे जाएं तो ये एक जेनेटिक डिजीज़ भी है। अगर आपकी फैमिली में आपकी मदर को है, आपकी बहन को है, तो ये आपको भी हो सकती है। लेकिन फिर उसके अलावा भी इसके और भी कारण होते हैं। जैसे अगर महिलाओं में इन यूट्राइन जो प्रेगनेंसी के समय अगर कुछ हार्मोन्स दिए जाते हैं तो उनका इफेक्ट भी बच्चे पे आता है और उसके कारण भी ये हो जाती है। लेकिन उसके बाद में आता है लाइफस्टाइल पे। आपका सेडेंट्री लाइफस्टाइल और फिजिकल इनएक्टिविटी और आजकल जो खाना पीना है जिसमें फाइबर बिल्कुल नहीं होता है, वो सब भी इसके लिए बहुत ज़्यादा जिम्मेदार हैं। जो जेनेटिक डिजीज होती है इसमें मतलब पेरेंट्स वगैरह हैं तो बच्चों में होगी, ऐसा जरूरी होता है? जरूरी नहीं होता। 20-30% केसेस में ऐसा देखा जाता है कि अगर जैसे नानी में है तो मदर में है, मदर में है तो उनकी बच्चियों में है, इस तरह से ये रन करती है। हार्ट एंड ईईसीपी जनरल हॉस्पिटल US FDA व अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन द्वारा अनुमोदित राजस्थान का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के अनुसार हार्ट अटैक के मरीजों का बिना सर्जरी बिना भर्ती किए ईईसीपी द्वारा अत्याधुनिक इलाज। इसके लक्षण कौन कौन से होते हैं, कब वैसे ऐसा महसूस होता है कि बीमारी में कोई तकलीफ हो रही है? इसमें तकलीफ सबसे ज्यादा तो जब एक बार तो शुरू में 15 से 16 साल की उम्र में ही अगर महावारी अनियमित होने लग जाती है, बच्चियों का वेट बढ़ने लग जाता है, उनकी पढ़ाई के कारण इनएक्टिविटी बढ़ने लग जाती है, तो उसकी वजह से ये धीरे 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 अनियमित महावारी में और उसमें परिवर्तित होने लगती है और फिर शरीर में हार्मोन्स का और इनका लेवल घटने बढ़ने लगता है। दरअसल ये एक मेटाबॉलिक और एक एंडोक्राइनल डिजीज़ दोनों हैं, क्योंकि इसमें और एक इसमें विशियस साइकिल चलता है कि आप अगर बैठे रहते हैं तो ओबेसिटी बढ़ती है, ओबेसिटी बढ़ती है तो ये इसको बढ़ाती है, पीसीओडी को बढ़ाती है, और पीसीओडी बढ़ता है तो फिर ओबेसिटी बढ़ती है। इस तरह से ये एक दूसरे को बढ़ाने वाले कारक बनते जाते हैं। इसमें क्या प्रिवेंटिव इसके लिए लेना चाहिए एक महिला को? देखिए आप अपने पहली बात तो है कि अपने खान पान में सुधार करें। सबसे ज़्यादा तो है आप जो भी खाना लें वो जैसे घर में बना हो उसमें बहुत ज़्यादा वसा का उपयोग ना हो, और इसके अलावा आप अपने खाने में कार्बोहाइड्रेट को घटाएं। लो कार्ब डाइट और हाई प्रोटीन डाइट इसमें होना चाहिए। उसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा पानी लें और सलाद, एक प्लेट सलाद खाने से पहले अगर आप बढ़ा लेते हैं अपने खाने में तो आपका नेचुरली कार्बोहाइड्रेट कम जाता है, और कार्बोहाइड्रेट कम जाता है तो ये आपको सुधार के लिए ले आता है। और दूसरी बात है कि फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाएं। फिजिकल एक्टिविटी को कैसे बढ़ा सकते हैं? एक तो नियमित व्यायाम करें, और नियमित व्यायाम में 35 से 40 मिनट का नियमित ब्रिस्क वॉक या एक्सरसाइज शामिल होता है। वो हफ्ते में आप 4 से 5 दिन भी कर लें तो बहुत होता है, ठीक है। और उसके अलावा स्ट्रेस भी इसको बढ़ाता है, तो स्ट्रेस को कम करने के लिए हमें मेडिटेशन करना चाहिए, ताकि आपकी जो भी भागदौड़ की जिंदगी की व्यस्तताएं हैं जिसके कारण आपको स्ट्रेस बढ़ता है तो स्ट्रेस भी इसको बढ़ाता है, तो हमें इसके लिए मेडिटेशन, थोड़ा फैमिली लाइफ ये सब भी करना चाहिए। वैसे देखा गया कि अनियमित महामारी से बहुत सारी परेशानियां महंगम होती है, जैसे दर्द, कमर में दर्द होना। हाँ, अनियमित महावारी की वजह से एक तो 2 से 3 महीने में महावारी आती है, उसके बाद वो बहुत तेज कमर दर्द के साथ या पेट दर्द के साथ होती है, क्योंकि चूंकि अंडे नहीं बन रहे होते हैं इसमें, इस वजह से ये होती है।
तो पेट दर्द ज़्यादा होना और फिर ब्लीडिंग कभी बहुत ज़्यादा होना, कभी कम होना, इसमें ये दोनों ही कारक मौजूद होते हैं। तीसरी बात ये होती है कि अब जब माहवारी नियमित नहीं होती है तो इसमें अंडे नहीं बनते हैं, ओबेसिटी हो जाती है, ओबेसिटी के कारण और ये सब हार्मोन्स के कारण इसमें जो महिलाओं में 13वें से 14वें दिन एक अंडा बनता है जिसके बाद में फिर एंडोमेट्रियम शेड होके फिर पीरियड आता है, तो वो नहीं हो पाता। उसके कारण से जब अंडा नहीं बनेगा तो फिर आगे महिलाओं में इसमें बांझपन की भी शिकायत रहती है। मुख्यतः 20 से 30% बांझपन का कारण पीसीओडी ही होता है और आजकल इसकी प्रेवलेंस और बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि हमारे समाज में जैसा खान पान और जैसी हमारी लाइफ स्टाइल चेंज होती जा रही है तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स बढ़ती ही जा रही हैं। एक नई सोच, नए आयाम और नई मिसाल के साथ रावत गर्ल्स कॉलेज अब बन चुका है रावत कोएड कॉलेज। यहाँ कई सारे प्रोफेशनल और करियर ओरिएंटेड कोर्सेज के साथ विद्यार्थियों के लिए है सेफ एंड सिक्योर कैंपस एनवायरनमेंट, डेडिकेटेड टीचिंग फैकल्टी, मॉडर्न लाइब्रेरी, कैंपस प्लेसमेंट एंड हॉस्टल फैसिलिटी। एडमिशन्स के लिए तुरंत कॉल करें 01412810158 पर या रावत कोएड कॉलेज करनी विहार अजमेर रोड जयपुर कैंपस में विजिट करें। मैडम, पीसीओडी बारे में बात कर रहे थे, इसके जो जेनेटिक डिजीज के साथ में से क्या क्या सिम्टम्स होते हैं? इसमें मुख्य रूप से तो माहवारी का अनियमित आना होता है, ओबेसिटी, मेनली सेंट्रल ओबेसिटी होती है। माहवारी अगर साल में 8 बार से कम आए तो हम इसमें पीसीओडी को मानते हैं। उसके अलावा होता है शरीर पर अवांछित बालों का बढ़ जाना, जैसे चेहरे पे या पीठ पे, इस तरह से हाथ पैरों पे। उसके अलावा इसमें जो एक मेन फैक्टर होता है वो होता है कि इसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है, तो उसके कारण इसमें जो गर्दन पे है वो थिक और वेलवेटी स्किन हो जाती है, जैसे गहरे रंग की या गाढ़ी गाढ़ी स्किन हो जाती है। उसके अलावा बालों का झड़ना, जो कि मेनली फीमेल पैटर्न हेयर लॉस होता है, आगे की तरफ से बाल झड़ जाते हैं इसमें, और एक्ने तो है ही है, एक्ने, ऑयली स्किन, ये सब इसके मुख्य लक्षण आते हैं। इसमें किस तरह से मतलब ट्रीटमेंट किस तरह से देते हैं, दिया जाता है पेशेंट्स को? इसमें सबसे पहले हमें इसके भाई डायग्नोसिस मेनली तो मुख्यतः तो लक्षणों के आधार पे ही होता है, लेकिन उसके अलावा हमें लैब टेस्ट भी कराने होते हैं। लैब टेस्ट में हम मेनली एक LH-FSH रेशो को देखते हैं, जिस जो कि नॉर्मली 2 से 1 के बीच में, मतलब 2:1 से कम ही होना चाहिए, लेकिन 2:1 से ज़्यादा होता है तो ये दर्शाता है कि PCOD है। और PCOD में नॉर्मली क्या होता है कि जो अंडेदानी होती है उसमें हर अंडा एक महीने हर महीने तैयार होता है और वो फूटता है और इस तरह से वो फिर ट्यूब में आ जाता है और शेड होता है, तो एंडोमेट्रियम से माहवारी आ जाती है। लेकिन पीसीओडी में क्या होता है कि अंडे जो हैं पेरीफ्री पे अरेंज हो जाते हैं। देखिए, जैसे कि मैं इसमें आपको बताती हूँ, ये नॉर्मल में तो इस तरह से होता है, लेकिन पीसीओडी में अंडे चारों तरफ अरेंज हो जाते हैं और कोई भी अंडा बड़ा नहीं होता है। तो ये हम केवल सोनोग्राफी पे ही पता लगा सकते हैं। सोनोग्राफी पे देखने पे साफ पता चलता है कि हाँ, अंडे चारों तरफ अरेंज हैं, लेकिन कोई भी फॉलिकल बड़ा होकर रप्चर नहीं होता है, तो इसकी वजह से पीरियड नहीं आता है। इसके अलावा लिपिड प्रोफाइल है, इंसुलिन है, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट है, और अदर हार्मोन्स भी, प्रोलैक्टिन वगैरह भी कराने होते हैं, क्योंकि वो भी बढ़ जाते हैं। मैडम, उसके लिए क्या उपाय लोग करना चाहिए कि इस बीमारी से बचा जा सके, किस तरह? जैसा कि मैंने बताया, बीमारी से बचने के एक तो जो हम इंट्रायूट्राइन जो प्रेगनेंसी होती है उस टाइम जो हार्मोन्स दिए जाते हैं उनकी हमें कंट्रोल करना चाहिए, कि बहुत ही ज़रूरत होने पे ही वो देने चाहिए। दूसरी यह है कि हमें अपनी जो डेली की लाइफस्टाइल है उसमें व्यायाम को, योग को और इनको अच्छे से शामिल करना चाहिए। घर का खाना खाना चाहिए, मैदा, चीज़, बर्गर, फास्ट फूड, जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक, इन सब से दूर रहें, जो कि पॉसिबल कम है आज के बच्चों के लिए, लेकिन फिर भी ये उनको करना चाहिए। इवन उनको पढ़ने के लिए लगातार 10-10, 12-12 घंटे पढ़ना पड़ता है, फिर भी आधा सा 1 घंटा वो अपने शरीर पे भी दें, ताकि एक तो स्ट्रेस से दूर हो सकें और दूसरा उनको एक्सरसाइज करने से पीसीओडी की समस्या से भी निजात पा सकें। बांझपन की भी बात आई थी कि एक महिलाओं में सिर्फ बांझपन की सिचुएशन होती है, पुरुष में भी इस तरह की बीमारी पाई जाती है?
पुरुषों में भी होती है, पुरुषों में भी स्पर्म नहीं बनने के कारण या कम होने के कारण या उनकी एक्टिविटी कम होने के कारण, उन सब के कारण भी बांझपन होता है। लेकिन महिलाओं में जो कारण होते हैं मेनली, उसमें एक तो ये होता है PCOD, जिसमें अंडा नहीं बनता। अंडा नहीं बनने के और भी कारण होते हैं, पर उसमें एक ही मुख्य होता है। उसके अलावा ट्यूब्स का बंद होना या कोई और, जैसे अंडेदानी वो बच्चेदानी तैयार नहीं होना समय पे, या और कोई तरह की रुकावट हो, वो भी उसके सब कारण होते हैं। फ्यूचर में PCOD की वजह से कौन कौन सी बीमारियां होने की संभावना ज़्यादा होती है? देखिए, एक तो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाता है, तो इसकी वजह से बॉडी में हाइपर इंसुलिनेमिया हो जाता है। ये डायबिटीज़ टाइप 2 को भी बढ़ाता है। टाइप 2 में 10-20% पेशेंट जो इसके PCOD के होते हैं, उनमें डायबिटीज़ होने की संभावना होती है। बाद के लाइफ में भी, जैसे एक बार आपके बच्चे हो जाते हैं, आपकी लाइफ सब कुछ सही चलती रहती है, लेकिन 40-50 की एज में भी ये एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया भी कर सकता है। उसके कारण बहुत ज़्यादा माहवारी आना की प्रॉब्लम रहती है, और उसके बाद में भी ये एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा में भी कभी कभी कन्वर्ट हो जाता है। तो इसके आगे के रिस्क फैक्टर में ये आते हैं, और डायबिटीज़ के साथ साथ ये हार्ट अटैक को और इनको भी बढ़ाता है। जो इस तरह के पेशेंट्स हैं, इस तरह जो लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहिए? इसके लिए मैसेज ये है कि एक, आप समय पे ही इलाज लें। लेट होने पे कई बार प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उसका इलाज होने में बहुत दिक्कत आती है। दूसरी बात, अपनी जो मेन इसका इलाज और प्रिवेंशन है, वो केवल लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है। हम हमारे सभी मरीजों को सबसे पहले यही इलाज बताते हैं कि आप अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करें। उसके अलावा आप अपना वेट भी मॉनिटर रखें, वेट ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वेट बढ़ता है तो ये डिजीज़ बहुत तेज़ी से बढ़ती है, और फिर भी अगर ये प्रॉब्लम्स ठीक नहीं होती हैं, तो फिर हम इसके साथ में और अलग से दवाइयाँ देते हैं, जैसे नियमित माहवारी आने की, पीरियड्स को कंट्रोल करने की, और उसके अलावा टाइम से अंडा बनने की, और जैसे और भी होती हैं, मेटफॉर्मिन वगैरह है, डिकायरोन एसेटॉल है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो PCOD को कम करती हैं।